अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा बिल्कुल नए स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। जिस बर्तन में आप बनाएंगे शाही टुकड़ा, सबसे पहले ब्रेड को इस तरीके से आप चेक कर लीजिए कितना ब्रेड उसमें आएगा। तो यहाँ मेरा फर्स्ट लेयर में 4 ब्रेड आ रहा है, तो हम यहाँ 2 लेयर बनाएंगे, तो टोटल हमें यहाँ लगेगा 8 ब्रेड। इस तरीके से आपको चेक कर लेना होगा आपको कितना ब्रेड लगेगा, फिर हम इन 8ों ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हम फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी डाला है, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम ब्रेड को पहले इस तरीके से एक साइड से पूरा अच्छे से डार्क ब्राउन करेंगे, अच्छे से सेक लेंगे, और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी अच्छे से लाल कर लेना होगा, फ्राई कर लेना होगा। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अनहेल्दी होता है, इसलिए हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे ही ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मेरा 8 स्लाइस ब्रेड फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक बर्तन में लेंगे 1 कप पानी, और उसमें हम डालेंगे शक्कर 1 कप। यहाँ मैं चाशनी क्रिएट कर रही हूँ, और छोटी इलायची मतलब हरी इलायची का थोड़ा सा पाउडर डालेंगे, और हम तब तक पकाएंगे जब तक आपकी शक्कर अच्छे से पिघल ना जाए। तो यहाँ मेरी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, उसके बाद हम गैस को बंद कर लेंगे, और उसमें हम 1-1 स्लाइस ब्रेड इस तरीके से डालते जाएंगे, और हम अपने जिस बर्तन में आपको बनाना है उस बर्तन में सेट करते जाएंगे। इस तरीके से हमने अपने सारे ही ब्रेड को इसमें डाल दिया है चाशनी में डुबाते हुए। उसके बाद आपको इसमें डालना होगा, उसके बाद आपकी जितनी भी चाशनी बची है वो हम ऊपर से इस तरीके से चारों बाजू से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रख लेंगे, तब तक के लिए शक्कर की जो हमारी चाशनी है आराम से ऑब्जर्व हो जाएगी। अब हम दूसरे बर्तन में लेंगे 1 लीटर दूध। यहाँ मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी हम बनाएंगे रबड़ी। तो रबड़ी के लिए हम इसे सबसे पहले एक बॉईल आने देंगे, और इसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक दूध आपका आधा ना हो जाए। जैसे 1 लीटर दूध है हमारा, तो हम यहाँ 1/2 लीटर कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे हमारा दूध अच्छी तरीके से पक चुका है, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। अब हम इस मोड़ पर इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर। शक्कर जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। आप ध्यान दीजिए, हमने ब्रेड में ऑलरेडी चाशनी डाला है, इसलिए इसमें शक्कर हम सिर्फ दूध के हिसाब से डालेंगे। जितना दूध की क्वांटिटी है उस हिसाब से हमें थोड़ा सा शक्कर इसमें ऐड करना होगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वैनिला एसेंस, और थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे धीमी फ्लेम के लिए। तब तक के लिए हम एक बर्तन में आप 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का आटा ले लीजिए, और थोड़ा सा दूध मिलाते हुए एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ फाइन पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे इस दूध में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, और अच्छी तरीके से आपको चलाते रहना होगा। धीमी आंच आपको रखना होगा, और उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना होगा, वरना आपका जो दूध में गांठें आ जाएंगी। तो लम्स ना बने, इसलिए हम धीरे धीरे इसे डालते जाएंगे और अच्छी तरीके से चलाते जाएंगे। उसके बाद हमने इसमें केसर डाल दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। और थोड़े से बारीक कटे हुए हमने इसमें नट्स डाल दिया है। तो आप देख रहे हैं मेरी यहाँ रबड़ी पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है, ये 1/2 लीटर से भी थोड़ा कम बनी है। अब हम जितनी भी रबड़ी हमने बनाया है हम इस ब्रेड पे स्प्रेड कर लेंगे खूब अच्छी तरीके से। चारों बाजू आपको स्प्रेड कर लेना होगा, इस तरीके से टैप कर लेंगे ताकि चारों बाजू ये सेट हो जाए। उसके बाद ऊपर से हम कुछ बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता का गार्निश करेंगे ताकि ये बहुत ही खूबसूरत दिखे। और इस तरीके से मेरी शाही टुकड़ा रेडी हो गई है। तो आप देख रहे हैं 1/2 घंटे के बाद आप इसे खाइए ताकि रबड़ी अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आप इसे इस तरीके से कट करके एक नाइफ़ की मदद से एक सर्विंग प्लेट में ले सकते हैं, और इसे बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही यम और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देख रहे हैं ब्रेड भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, और बहुत ही ईजी भी है इसे बनाना। एक और तरीका है इसे सर्व करने का, इस तरीके से आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए ब्रेड्स के, और रबड़ी के साथ एक स्पून के हेल्प से इसे इस तरीके से निकाल लीजिए। ये भी बहुत यम लगता है, बच्चों को अक्सर ऐसे ही मैं देती हूँ कि ताकि वो अच्छे से खा सके। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।